हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैटर। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट कि आज उनके टू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। थोड़ा हैवीनेस है क्योंकि कल न्यू मून है, पोर्टल भी है, एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हैवी हावी जो भी है। सो फोकस ऑन फ्लेम, उनका नाम दोहराइए, उनका हंसता मुस्कराता चेहरा याद कीजिए 3 बार एंड लेट्स स्टार्ट द रीडिंग इन द पॉजिटिव नोट। जिनके बारे में आप सोच रहे हो ना, वो पर्सन मेल फीमेल जो भी है, वो काफ़ी ज़्यादा ना डिस्ट्रैक्टेड एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। डिस्ट्रैक्टेड इमोशंस काफ़ी हाई हो रहे हैं बिकॉज न्यू मून है और चीज़ें बहुत ज़्यादा एक डाउन की तरफ लेके जा रही है उनको। मतलब ऐसा ना, एक डीप डाउन होता है, एक स्लो डाउन होता है, या एकदम दो तरह से है। एक तो या तो अपने अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर स्पिरिचुअलिटी है, और या तो ऐसा है ना कि ये पर्सन है ना अपने आप को खो रहे हैं, वाली एनर्जी है। मतलब गलत संगतों में पड़ना और कुछ है, या गलत एडिक्टिव हैबिट्स, क्योंकि मुझे डेविल की एनर्जी फील हुई। आपके लिए ऑब्सेशन है, यहाँ पे इमोशंस है लेकिन ऑब्सेशन ज़्यादा है, बस चाहिए और वो सब चीज़ है, बट वहाँ पे इमोशनली जो एक कनेक्ट होना है वो चीज़ नहीं दिख रहे। इनको ना पता है कि आप इनसे प्यार करते हो, आप इनके लिए सही हो, वो सब कुछ है, लेकिन कहीं ना वो चीज़ को ना मानने को, एक्सेप्ट करने को डर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी सिचुएशन है और ये बहुत ज़्यादा बिखरे इमोशंस में नज़र आ रहे हैं। आने वाला पोर्टल और न्यू मून दोनों भी एनर्जीज इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा हैवी, क्योंकि इनको ना शांत बैठने दे नहीं रही है। इनको समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है, कैसे करना है, क्योंकि ये सिचुएशन को ना इग्नोर करना चाहते हैं, ये सिचुएशन को मैनेज करना चाहते हैं, ये सिचुएशन को इमोशंस को मतलब ठुकराना चाहते हैं, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि भाई हाँ प्यार है या जो भी है उसके लिए क्या करना है। नहीं, वो उनको उनको ऐसा लगता है ना कि सब कुछ जैसे अपने आप ठीक होना चाहिए या आप आके ठीक करो। इन्हें ना जैसे आदत हो गई है, आपकी जैसे हर बार ये गलतियाँ करेंगे, हर बार इनको फील होता है नो, और हर बार आप ही आना चाहिए, हर बार आप करेंगे, सो दैट कि इनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इनके ऊपर ना एक बर्डन नहीं है। इनके ऊपर बर्डन है ना तो सिर्फ अदर रिश्तों का या थर्ड पार्टी इश्यूज़ का, जैसे फाइनेंशियल बर्डन हो, लोन हो, कुछ तो है जो एक बर्डन है, कोई रिश्तों का बर्डन है, और ये इन्हीं की गलती की वजह से हुआ है। जैसे कि इन्होंने ना प्रैक्टिकली सोच के या घाई घाई में या फिर ऐसा ना एंग्जाइटी में आकर कोई डिसीजन लिया, स्पेशली गोइंग टू सम रिलेशनशिप, और वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा फंसे हुए फील कर रहे हैं। पॉसिबल है कि उस वक्त आपने उनको ना कहा था, भले आप तभी कुछ इस बारे में जानते नहीं थे, बट अनजाने में सही आपने कहा था कि दिस इज़ नॉट द राइट डिसीजन। कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है कि ये इन्वेस्टमेंट मत करो, ये घर मत करो, या फिर ये दोस्त पे भरोसा मत करो, या फिर ये रिलेशन में जाओ, दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू। लेकिन इन्होंने तभी बात नहीं सुनी है और अभी इन चीज़ों का ना बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। कभी कभी ना इतना एक टॉक्सिक एनर्जी फील करते हैं ना कि जैसे ये कभी कभी ना आपके बारे में उल्टा सोचने लगता है कि शायद आपने ही नज़र लगाई हो, या आपने सोचा होगा कि आप इनके साथ बुरा हो। ऐसे भी कुछ उल्टा सीधा सोचने वाले लोग हैं, कुछ लोग बहुत कम हैं, बट है तो सही ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपके अगेंस्ट एनर्जी कुछ दिख रही है कि जो आपको गलत समझ रहे हैं। पॉसिबल है ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है, कि बहुत ज़्यादा मतलब मान लीजिए कि थर्ड पार्टी के साथ इनके इश्यूज़ हैं, लेकिन थर्ड पार्टी आपको गलत समझ रही है, थर्ड पार्टी आपको गलत समझ रही है, इस इंसान से ज़्यादा आपको गलत समझा जा रहा है। इनकी इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई है और मतलब ऐसे ना अजीब अजीब हरकतें,
अजीब अजीब हरकतें, उल्टी सीधी हरकतें करने का ये है कि बेकार में किसी से झगड़ा करेंगे, या बेकार में ड्रिंक ज़्यादा करेंगे, या कुछ है मतलब एडिक्टिव हैबिट्स, या कुछ भी मतलब अननेसेसरली, और मतलब क्योंकि वो इमोशन से भाग रहे हैं, इमोशन से भाग रहे हैं, सच्चाई से भाग रहे हैं, आपसे दूर भाग रहे हैं। क्योंकि आपकी एनर्जी में ना बहुत ज़्यादा एक प्योरिटी है, एक इमोशंस है, क्योंकि आपने अगर आपके ऊपर काम किया ना, स्पिरिचुअलिटी और वो सब चीज़, अपना ऑरा वो सब चीज़, तो डेफिनेटली आपके ऑरा में एक धीरे धीरे से स्ट्रेंथ है, कॉन्फिडेंस है, सब कुछ है, लेकिन ये चीज़ ना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। मतलब आप चाहिए भी, लेकिन जैसे पहले जैसे, लेकिन उनके टर्म्स पे, और ये अभी नहीं हो रहा है। स्ट्रांगली चांसेस है कि आपने अभी किसी बात के लिए ना कहा है, या फिर किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा आपने एक स्ट्रांग पॉइंट पकड़ के बैठा है कि नहीं, अगर ऐसा है तो नहीं हो सकता। ये चीज़ उनको ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, ऐसा लगता है कि आप भी दुनिया के जैसे हो, आपने भी मतलब आपने भी अलग डायरेक्शन में, मतलब ये चीज़ों को ना सही से नहीं ले रहे। पता नहीं क्यों इनकी एनर्जी में ऐसा लग रहा है ना, या तो ये इनकी सोच खराब हो चुकी है, और ये चीज़ें ना मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यू मून में असर ज़्यादा कर रही है, कि इनकी ना ये जो सोच खराब होना या कुछ भी है, ये इंपॉर्टेंट था है, क्योंकि इनकी सोच में बदलाव आना बहुत ज़रूरी है। इनकी सोच ही बहुत, कि या तो ये किसी गलत संगत में, या दोस्त है कोई है जो गलत समझा रहा है, या आपके बारे में कुछ गलत इंडिकेशंस कर रहा है, और ये बात वो समझ नहीं पा रहे। कभी कभी ऐसा लगता है कि समझते तो है, लेकिन उसे मतलब उसे सही नहीं कर पा रहे हैं। समाओ उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उसको ना ठीक नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं, और उनको समझ नहीं आ रहा है कि मतलब ऐसा होता है ना कि प्रॉब्लम्स में इंसान बहुत ज़्यादा ज़्यादा ही मतलब ऐसे अजीब सा होते जा रहा है। सुधरने की जगह बिगड़ने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक है कि ये जो पोर्टल का असर पड़ेगा ना, ये अचानक से भी चेंज होने की एनर्जी जाने है, उसके असर पड़ने के बाद थोड़ा वक्त के बाद हो सकता है, या इमिजिएटली हो सकता है, बट इनको ना झटका है वो लगना ज़रूरी है। ये अभी तक इस बात को नहीं समझ आया कि कुछ चीज़ें ना अपने अंदर बदलना बहुत ज़रूरी होता है। इन्होंने आपके बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, मतलब कि आप तो आएंगे ही ना, आप तो ठीक करेंगे ही ना, आप तो बात करेंगे ही ना, ऐसे वाली एनर्जी है। ट्री की एनर्जी है और एट ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली ये इंसान पैसे के बारे में बहुत सोच रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, या पैसे के बारे में सोच रहे हैं, और ये ना इनको कहीं ना कहीं कुछ है अंदाज़ा कि आप उनके लिए एक लक की तरह हो। क्योंकि मुझे यहाँ सोल कनेक्शन फील हो रहा है, ये सोल कनेक्शन है इसके लिए, क्योंकि ये जितना अपने सोल से दूर जा रहे हैं ना, वो सोल उनको खींच रहा है आपकी तरफ, क्योंकि सोल को तो पता है ना आप कौन हो। इनके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा, अचानक से ना किसी रीज़न से, लग ना झगड़ा करने के रीज़न से, कुछ बोलने के, या फिर एडिक्शन के चलते अचानक से आपको फ़ोन करे, मैसेज करे, भी हो सकता है अचानक से मिलने आ जाए, क्योंकि ऑब्सेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मतलब ये डिसीजन नहीं ले पा रहे, लेकिन उसका ब्लेम ऐसा लग रहा है ना कि आप नहीं समझ रहे हो, ब्लेम तो आपके ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं, आप नहीं समझ रहे हो, आप नहीं समझ रहे हो। इस एनर्जी में ना एरीज, कैंसर, कैप्रिकॉन, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा, वर्गो, वर्गो एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और इनिशियल इनके जे हो सकते हैं, पी हो सकता है, एस हो सकता है, एम हो सकता है, वी हो सकता है, टी हो सकता है, और नंबर में मुझे ना 8 नंबर बार बार फील हो रहा है, 8 नंबर है, और 6, 8 एंड 6 दो नंबर ही प्रोमिनेंटली फील हो रहे हैं, और चांसेस है कि विद इन 8 आवर्स इनका कॉल मैसेज आया, क्योंकि ऑब्सेशन की भी एनर्जी है, तो पॉजिटिव ऑब्सेशन, या मतलब मन कर रहा है बात करने का, वो चीज़ हो सकती है, बट एक ऐसी एनर्जी मिली है ना जहाँ पे इनको ना कुछ समझना ज़रूरी है, लेकिन ये समझने के बजाय उस चीज़ को ना उल्टा ले रहे हैं, पॉसिबल है, तो वो चीज़ नेगेटिव माइंडसेट होने के चांसेस बहुत है, क्योंकि आसपास जो लोग हैं ना बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव लोग फील हो रहे हैं।
कि जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले, मतलब कुछ दोस्त होते हैं ना जो अपने फायदे के लिए किसी को गलत सलाह देते हैं, क्योंकि उनका दोस्त निकल जाएगा, उनको मिलने वाला फायदा निकल जाएगा, वो चीज़ जैसे फील हुई, या फिर अपने मतलब के लिए लोग उनका मिसगाइड करे वगैरह, क्योंकि इनका दिल नहीं मानता कि आपने ऐसा होना चाहिए, आपने करना चाहिए, क्योंकि दिल तो मानता है कि आप बहुत ज़्यादा सच्चे हो और आपके जैसा प्यार करने वाला, और ये आपसे कितना प्यार करते हैं, हर चीज़ दिल दिल तो यही मानता है कि ये आपसे प्यार करते हैं, लेकिन ये दिमाग की सुन रहे हैं और दिमाग इनका कोई और कंट्रोल कर रहा है या सुना रहा है या कुछ भी है। ये काफ़ी ज़्यादा ना अजीब से पोजीशन में है, क्योंकि दिल और दिमाग कोई अलग चीज़ बोल रही है, दिमाग कुछ करने के लिए बोल रहा है किसी के इन्फ्लुएंस में, और दिल कहीं और जा रहा है, किसी आपको मतलब आपको फील करना चाहता है। Ace of Swords, फाइव ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, पॉसिबल है आपको ट्रिपल फाइव एंजल नंबर दिख रहा हो, पॉसिबल है इनको दिख रहा हो, बट ये फिलहाल जोन में नहीं है कि ये सब चीज़ें समझे, सुन सके, मतलब कोई सुनाएगा या मतलब आप बोलेंगे तो और भी खतरनाक, कि मतलब ये क्या चीज़ है, वो चीज़ हो सकती है। जैसे मैंने कहा ना कि इनकी तरफ से कम्युनिकेशन आ सकता है विद द थिंग्स कि ना अचानक से, मतलब क्योंकि दिल है ना वो जानता है कि आप कौन हो, क्या हो, और उससे बात करने का, उसे समझने का मौका चाहिए, और लाइक उनसे कनेक्ट होना है, क्योंकि स्पिरिचुअल वे या एंजल नंबर्स या कुछ है ना, वो आपसे कनेक्ट होने के लिए कह रहे हैं, वो तो है, ये सच सच समझ नहीं रहे, सच समझ नहीं रहे, इनको एक्चुअली सच बोलना है, सच एक्सेप्ट करना है, बट ये सच को एक्सेप्ट करने की पोजीशन में नहीं है, उनको सच बोलना चाहिए, सच एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन हो नहीं पा, लेकिन ये इन फ्यूचर हो सकता है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, अगर मैंने कहा ना 8 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा ऐसा है ना कि जैसे कर्मा है, वो चीज़ रिपीट हो रहा है, या कुछ है कार्मिक चीज़ें वो उससे सफ़र कर रहे हैं, ये टावर सिचुएशन और ये ऐसी हालत, ये टावर्स है, यहाँ पे भी हर्मिट मोड है, अगेन 8 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे देखें, ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही थी, और यही एनर्जी है बहुत ज़्यादा, कि बहुत स्टक, बहुत बंधा हुआ, बहुत अपने अंदर, बहुत सारी चीज़ें, और एकदम ऐसी सैडिस एनर्जी जिसमें ना अपना कंट्रोल नहीं है, कोई कुछ बोल रहा है उसमें ज़्यादा सुनने, और यही चीज़ अगर सही चीज़ आप बोले तो वो सुनने के कगार में नहीं है, खास करके जो मैटर है ना कि किसी के ऊपर विश्वास करना, ये आपने कहा था फाइनेंशियल हो या रिलेशनशिप हो, आपने कहा था कि मत करो, लेकिन उसी चीज़ में वो बहुत बेकार सा धोखा खा चुके हैं, खा रहे हैं इनफैक्ट, वो चीज़ है, अभी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होने की एनर्जी है, लेकिन ऐसा लगता है ना कि जल्द से जल्द आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि उनका सोल एक्चुअली ना उनके उनको राइट डायरेक्शन में लेके जाना चाहता है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये मोमेंट स्लो हो सकते हैं लेकिन ये आप ही की तरफ आने की इच्छा बहुत ज़्यादा रखते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली इनका फिलहाल फोकस फाइनेंशियल पे है कि कैसे ठीक होया जा सकता है, बट ये आपकी तरफ आने की, क्योंकि यहाँ पे ना नाइन ऑफ पेंट्स की एनर्जी है, जैसे इंसान जब समझेगा कि कहाँ जाना है, अभी तक ना मतलब बिखरे हुए से है और समझ नहीं पा रहे, ये इंतज़ार में लगते हैं कभी कभी कि जैसे ना आप कहाँ हो, क्या हो, आप क्यों नहीं हो, वो सारी चीज़ें हैं, तो कम्युनिकेशन आने का चांस है, बट इनको कुछ सच एक्सेप्ट करना है ना वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये जो पोर्टल्स है, ये न्यू मून की एनर्जी है, उनको बहुत कुछ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी दे रही है कि आपको अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ें समझनी चाहिए, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे या एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दे, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।